जब आप मंसूरी से वापसी जाते हैं दिल्ली की तरफ, तो रास्ते में जगह पड़ती है भट्टा फॉल, 1.5 किलोमीटर नीचे, और बिल्कुल खड़ी उतराई है, जा रहे हैं। देखिए कितना सकरा रास्ता है, भट्टा फॉल लेके चलते हैं दोस्तों, भट्टा फॉल। ये भट्टा फॉल का नज़ारा है जी। आप मंसूरी दिल्ली रोड से नीचे 1.5 किलोमीटर नीचे आएंगे तो यहाँ स्पोर्ट्स की काफ़ी एक्टिविटी हैं, और यहाँ से रोपवे से भी आप लोग आ सकते हैं। ये रोपवे चल रहे हैं, रोपवे से भी आ सकते हैं ऊपर आप। अगर आपने अपनी गाड़ी ऊपर ही पार्क करनी है तो रोपवे से भी आ सकते हैं। ये भट्टा फॉल का नज़ारा है, और यहाँ काफ़ी होटल्स और होम स्टे भी काफ़ी हैं रुकने की। जैसे कई लोगों का रुकने का मन हो तो आप रुक भी सकते हैं, काफ़ी सुख सुविधा है। और भट्टा फॉल ये पेड़ों के बिल्कुल पीछे है, वहाँ भी हम चल रहे हैं। यहाँ भी आए, यहाँ काफ़ी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, इन्जॉय कीजिए यहाँ पर भी। इस वक्त हम लोग हैं भट्टा फॉल, इसी को बोलते हैं भट्टा फॉल, ये जो मेरे को बिल्कुल पीछे है। बारिश हो रही है पहाड़ों में, तो उसकी वजह से इसका पानी का वेव काफ़ी तेज है। और ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खाने पीने का सामान है, ये लोग बाग पानी में छतरी लगा के उसका आनंद ले रहे हैं सब। भट्टा फॉल, ये भट्टा फॉल का वेव देखिए, इसकी धारा बहाव कितनी तेज, धारा में आप वहाँ नहीं नहा सकते हो। ये धीरे धीरे करके देखिए धारा कैसे आगे आ गई है, और बहुत अच्छा इन लोगों ने व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। और ये देखिए आगे तक मौसम भी काफ़ी ठंडा है, और बारिशों की वजह से बहाव बहुत तेज है। उतने बहाव के अंदर कोई भी पत्थर आपके सिर के ऊपर आ गया लग सकता है, और आपको पता नहीं चलेगा, और कोई दुर्घटना हो सकती है। ये देखिए हमारे पीछे देखिए कितना तेज बहाव है, इसी को भट्टा फॉल बोलते हैं, काफ़ी विख्यात है यहाँ। मैंने आपको बताया भी है कि ऊपर से यहाँ रोपवे से भी आप आ सकते हैं, और काफ़ी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है। पहाड़ों में बारिश के कारण देखो कितना तेज इसका बहाव है। ये बात मैं बार बार इसलिए बताया जा रहा हूँ कि कोई भी लोग वक्त जब मस्ती के मूड में आते हैं तो ऐसी जगह पे आके स्नान वगैरह की सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ भाव कम हो वहाँ पर आप लोग जाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हमारा काम आपको आगे कर आग्रह आगाह करने का है, आगे मर्जी आपकी। ये देखिए कितना तेज बहाव, ये देखिए विशाल। पानी का बहाव, मैं थोड़ा ऊंचाई पे आ गया हूँ, इससे कि जलधारा देखिए काफ़ी विकराल, बड़ी बहुत बढ़िया। पानी का भाव देखिए जी, बहुत अच्छी अच्छी फुहार चल रही है। ये गीता जी को देखिए जी, जलधारा के बिल्कुल नीचे स्टाइल मारते हुए। ये प्राकृतिक झरने पहाड़ों के सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं, लोग बाग अचंभित होते हैं, आकर्षित होते हैं इसकी तरफ।
कितना शानदार व्यू है, फुहार आ रही है, ठंड लग रही है, लेकिन एहसास नहीं हो रहा ठंड का। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक चंचलता है, उसको देखने का उत्साह, उत्सुक। मज़ा आ गया भाई, भट्टा फॉल बहुत ही शानदार अच्छी जगह है। भट्टा फॉल में जब आप भट्टा फॉल में आते हैं तो यहाँ पर अंदर ही एक कैफे भी है, अच्छा कैफे है। सीटिंग वगैरह सब बढ़िया है, नॉर्मल रेट है। अगर आपने कुछ अच्छा खाना है और क्वालिटी के साथ खाना है तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। भट्टा फॉल में ये रोपवे और साथ में ही ये कैफ़े है, ट्रेवल्स कैफ़े। गेम्स वगैरह भी हैं बच्चों की। काफ़ी शानदार व्यू है, और भी यहाँ छोटे छोटे फॉल हैं, ये देखिए। ये पानी को स्टोरेज करके डैम का वो तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि जितनी जरूरत हो उतना पानी कहीं भेज सके। हम सब के कैन को चेयर अप कर रहे हैं और ऑर्डर किए हैं मोमोस, वेज मोमोस खाते हैं। देखिए जी, चेयर्स, एंजॉय। ये जी वेज फ्राइड मोमोस मंगाए हैं और साथ में दो तूफान थम्स अप, टेस्ट द थंडर, एंजॉय मोमोस। ये सारी एक्टिविटी भी है जी, वाटर बोटिंग वगैरह की भट्टा फॉल में। ये छोटी छोटी मछलियाँ देखिए, ये बकरियों का झुंड जी, म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं और चल रही हैं। पीछे डीजे चल रहा, इसी में डीजे चल रहा है, और उसका आनंद लेते हुए ये खाना खा रही हैं। ये देखिए भट्टा फॉल, आप यहाँ रोप से रोपे भी आ सकते हैं।